Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in. Hi friends, welcome back to my channel. कैसे आप सब? मैं ठीक हूँ. हैप्पी दिवाली आप सभी को. सेफली एंड ब्यूटीफुल दिवाली आप सभी मनाइएगा. ज़्यादातर सेफली मनाइएगा क्योंकि दिवाली फेस्टिवल थोड़ा सा आग के साथ होता है, तो सेफली मनाना पड़ता है, उसका ध्यान भी देना पड़ता है. और आजकल ना मुझे वाइट बहुत ज़्यादा क्रंच करने का मन कर रहा है. वाइट वो भी क्रंची क्रंची या थोड़ा सा वेट. आजकल मुझे ना वेट भी ज़्यादा करने का मन कर रहा. पहले तो ड्राई 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 बाइट्स ठीक से नहीं आने से मैं ज़्यादातर ड्राई करती थी ना, अभी मगर ऐसा नहीं, अभी पूरा वेट करने का मन कर रहा है. और बहुत जन पूछ रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है. शायद कुछ प्रॉब्लम है, फॉलो करना छोड़ दी. कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे, सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हूँ इसलिए स्वेलो नहीं कर रही हूँ. नहीं तो अभी भी मैं स्वेलो करती, वो भी प्रेगनेंसी के लिए देखूँगी. दवाई तो यूज़ कर रही हूँ मगर मुझे पता है कोई फ़ायदा नहीं है 100%. वो भगवान का देन है, अगर कुछ होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर से स्वेलो करूँगी. ना ज़्यादा भी नहीं तो मेरा ग्रेवी तो कंट्रोल हो रखा जैसे करोगे. सच्ची लगता है अभी ना, अगर क्रंच नहीं करने से पागल हो जाऊँगी. उतना ज़्यादा आदत हो गया ना, क्रंच करने का ही मन करता है टाइम टू टाइम. नहीं तो मतलब वीडियो भी नहीं बनाए तो थोड़ा सा लेके क्रंच करके आगे में मौत में स्पिट कर देती हूँ. और हाय फ्रेंड्स, ये लो डरो बहुत आराम रखो डरा. हैप्पी दिवाली मी अंदर की नो सेफ का ब्यूटीफुल का अंदर दिवाली सेलिब्रेट చేసుకోండి. సేఫ్ గా చేసుకోండి ఎందుకంటే దీపావళి చాలా ఇది ఉంటుంది కాబట్టి సేఫ్ గా చేసుకోండి. ఇంకా ఈ మధ్యన చాలా వైట్ ఎక్కువ తినాలనిపిస్తుంది నాకు. వైట్ క్రంచీగా ఉంటే లేకపోతే వెట్ చాలానా. నేను ప్రెగ్నెన్సీకి ట్రై చేస్తున్నాను అందుకనే స్వాలో చేయలేదు. లేకపోతే స్వాలో చేస్తున్నా అందరూ ఏంటి ప్రాబ్లం అని చాలామంది అడుగుతున్నారు. ప్రాబ్లం అయితే ఏంటి లేదు. ఈరోజు ఆల్ రెడ్ తీసుకుంటాను, రెడ్ కిట్ క్యాట్స్ గో 2 రెడ్ కిట్ క్యాట్స్ తీసుకున్నాను. ఇంకా ఈ రెడ్ చిప్స్ తీసుకున్నాను. ఈ బ్రోకెన్ అయిపోయింది, రెడ్ చిప్స్ బ్రోకెన్. చల్లి స్టార్ట్ కర్తే
टेस्टी था, अर्थी था, और रेड है ना उसका टेस्ट, रेड कलर का घर बनाते ईंटे होते हैं ना उसके सेम सेम अकॉर्डिंग आता है, मुझे तो ऐसा लगता है, पता नहीं किस किस को कैसा कैसा लगता हो, सेम वही ईंटे की तरह फ्लेवर आता है इसका, वेट होने से तो और ज़्यादा आता है, और ये थोड़ा ज़्यादा वेट हो गया था इसलिए इसका क्रंच साउंड ज़्यादा नहीं आया था, आपको देखे होंगे, मगर अर्थी फ्लेवर फुल आ रहा था, अर्थी खाने से पता चल रहा था, और चाला बहुत चाला टेस्टी है उन्दी, खुद के एक से बैठे पे अंत के एक क्रंची साउंड रेदू गानी फुल अर्दी फ्लेवर वस्तु रेड ऐटम एला टेस्ट वस्तदे नाकंटे वेट चेसा चूड़ी इल कड़ता कदा इटकलटाई कदा अभी दिन वाटर स्मेल वस्ते अलट स्मेल टेस्ट तेस्तो सेम अलटे थे थैंक यू सो मच फ्रेंड्स बाय। ये देखिए इससे काजू बादाम निकलता है, इससे ये ड्राई होने के बाद इससे निकलता है, इसका फल दिखाएंगे अगर गाछ में होगा तो। इसका फल येलो कलर का और रेड कलर का होता है, ये पूरा वो पूरा हमारा ही है। आइए आपको फल दिखाती हूँ, ये देखिए ये है फल, इसका नीचे बीजा होता है वो कैशू नट का होता है, काजू बादाम का,
ये रेड और ग्रीन का होता है ये फल। देखिए ऊपर में रेड ग्रीन कलर का है, ये फल भी खाते हैं, बहुत टेस्टी होता है। देखो किंगडम पड़े सुन, देखिए इससे काजू बादाम निकलता है जलाने के बाद काटने से। देखिए फल सब नीचे गिरा है। ये मतलब पहाड़ के ऊपर जमीन है ना, इसलिए सिर्फ यहाँ पे आम, और ये गर्मी की वजह से आम और ये ही होता है, मतलब काजू बादाम, और कुछ भी नहीं यहाँ पे ज़्यादा उगता है। ये देखिए ये गाछ है, इससे फर्नीचर बनता है। लंबा गाछ दिख रहा है ना, ये गाछ से फर्नीचर बनता है। और ये है ताल गाछ। చూడు పండగల రెండు కర్రలు పెట్టుకొని తిరుగుతుండ్రు పొడవు కానీ అసలు పోరా ఇష్టం నేను చూద్దాం 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 కాయలు అలపడుతుంది दस में कब तो छोटे से भूल गए। मैं तीस को मने कर दूँ कितने में? आंटी, किसका आंटी?
ಗಣಪತಿ ಛತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಐತಿ ಗಣಪತಿ ಏನೋ ಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೇನೋ ಬರಿತೈತಿ ಬೇರೆ ಕೇಳಿ ಗಣಪತಿ ಫೋಟೋ ತೆಗ್ದಾರಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಣ್ರಿ ಚಂದ್ರಪಣ್ಣ ಇವ್ರದು ನಮ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಆಸ್ತ ಚಂದ್ರಪಣ್ಣ ದೂರ ಇಲ್ವನ್ರಿ ಮೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕ ಬರ ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೀನ್ ಬೇಕಂತ ಗಂಡನಿಗೆ ವೈಫ್ ಅಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಹಿಡಿತಾರೆ ಗಂಡನಿಗೆ ವೈಫ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಮನೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಮನೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಯಾರು ವೈಫ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿ ಕಾರನ್ನ ಸಿಗಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾರೆ ಈಗ ಆ ಬೋಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಬೋಟ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಬೋಟ್ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉದರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ ಸ್ವಪ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ದುನಿಯಾ ಕೊಲೆಕ್ಯಾರೆ ಹಂಗೆ ನಮ್ದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಪ್ಪು ನಾವು ಹಂಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಲೋ ತುಂಬಕೊಂಡವ್ರೆ ಬಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬವ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಾರು ಬೈಕು ಲಾರಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬವ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ತುಂಬವ್ರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಯಾರ್ ಬೀಳ್ತಾರ ಬಿಡ್ತಾರ ನನ್ನಂತ ಜನ ತಿಗೆ Thank you.
देखिए इससे काजू बादाम निकलता है, इससे ये ड्राई होने के बाद इससे निकलता है। इसका फल दिखाएंगे अगर गाछ में होगा तो। इसका फल येलो कलर का और रेड कलर का होता है। ये पूरा वो पूरा हमारा ही है। आइए आपको फल दिखाती हूँ। ये देखिए ये है फल। इसका नीचे बीजा होता है वो कैशू नट का होता है, काजू बादाम का। ये रेड और ग्रीन का होता है ये फल। देखिए ऊपर में रेड ग्रीन कलर का है। ये फल भी खाते हैं, बहुत टेस्टी होता है। देखो किंडन पड़े समय देखिए इससे काजू बादाम निकलता है जलाने के बाद काटने से। देखिए फल सब नीचे गिरा है। ये मतलब पहाड़ के ऊपर जमीन है ना, इसलिए सिर्फ यहाँ पे आम और ये गर्मी की वजह से आम और ये ही होता है, मतलब काजू बादाम और कुछ भी नहीं यहाँ पे ज़्यादा उगता है। ये देखिए ये गाछ है, इससे फर्नीचर बनता है। लंबा गाछ दिख रहा है ना, ये गाछ से फर्नीचर बनता है। और ये है ताल गाछ। Yeah.
కింద నెయ్యి వేసుకోవాలా చూడు పండగల రెండు కర్రలు పెట్టుకొని తిరుగుతుండ్రు తెచ్చుకోవడం కానీ Thank you.
బుడి దగ్గర పాండే స్వీట్ చేసి ఎక్కడ అది నందిని కూడా అడే మొబైల్ తీసుకెళ్ళిపోయినా లేదా సైకి పెద్ద బిగ్ సైజ్ బిగ్ సైజ్ యారికి సార్ నిన్నగా इसमें भी लेकर ना ठीक है डबल टू जीरो फाइव में लेकर ना
ಫೋಟೋ ತೆಗ್ದಾರಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಣ್ರಿ ಚಂದ್ರಪಣ್ಣ ಇವ್ರದು ನಮ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಚಂದ್ರಪಣ್ಣ ದೂರ ಇಲ್ವನ್ರಿ ಮೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕ ಬರೋಣ ಮೀನ್ ಬೇಕಂತ ಗಂಡನಿಗೆ ವೈಫ್ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಹಿಡಿತಾರೆ ಅದೇ ನೋಡಿರಿ ಗಂಡನಿಗೆ ವೈಫ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಮನೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ ಏನ್ಬೇಕು ಮನೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡನ್ಗೆ ಯಾರು ವೈಫ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾರನ್ನ ಸಿಗಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾರೆ ಈಗ ಆ ಬೋಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೋಟ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಬೋಟ್ ಒಳಗೆ ಸಾಮ್ನೆಯ ಕಾರೇ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ದುನಿಯಾ ಕೊಲೆಕ್ಯಾರೆ ಹಂಗೆ ನಮ್ದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಪ್ಪು ನಾವು ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಸದ ಸ್ಲೋ ಸದ ಬಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಾರು ಬೈಕು ಲಾರಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇದಕ್ಕೂ ಫೋಟೋ ತೆಗ್ದಾರಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಣ್ರಿ ಚಂದ್ರಪಣ್ಣ ಇವ್ರದು ನಮ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಚಂದ್ರಪಣ್ಣ ದೂರ ಇಲ್ವನ್ರಿ ಮೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕ ಬರೋಣ ಮೀನ್ ಬೇಕಂತ ಗಂಡನಿಗೆ ವೈಫ್ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಹಿಡಿತಾರೆ ಅದೇ ನೋಡಿರಿ ಗಂಡನಿಗೆ ವೈಫ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಮನೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡನ್ಗೆ ಯಾರು ವೈಫ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾರನ್ನ ಸಿಗಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾರೆ ಈಗ ಆ ಬೋಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೋಟ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಬೋಟ್ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಉದರೇ ಕಾರೇ ಬೇಕು ಸಾಮ್ನೆಯ ಕಾರೇ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ದುನಿಯಾ ಕೊಲೆಕ್ಯಾರೆ ಹಂಗೆ ನಮ್ದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಪ್ಪು ನಾವು ಹಂಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಸದ ಸ್ಲೋ ಸದ ತುಂಬ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಬಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಾರು ಬೈಕು ಲಾರಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇದಕ್ಕೂ ತುಂಬವ್ರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಯಾರು ಬೀಳ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ತಾರೋ ನನ್ನಂತ ಜನ ತೆಗಿಯ
ಫೋಟೋ ತೆಗ್ದಾರಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಣ್ರಿ ಚಂದ್ರಪಣ್ಣ ಇವ್ರದು ನಮ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಚಂದ್ರಪಣ್ಣ ದೂರ ಇಲ್ವೇನ್ರಿ ಮೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೀನ್ ಬೇಕಂತ ಗಂಡನಿಗೆ ವೈಫ್ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಹಿಡಿತಾರೆ ಅದೇ ನೋಡಿರಿ ಗಂಡನಿಗೆ ವೈಫ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಮನೇಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಮನೇಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡನ್ಗೆ ಯಾರು ವೈಫ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿ ಕಾರನ್ನ ಸಿಗಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾರ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೋಟ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಬೋಟ್ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಉದರೇ ಕಾರ ಬೇಕು ಸಾಮ್ನೆಯ ಕಾರ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ದುನಿಯಾ ಕೊಲೆಕ್ಯಾರೆ ಹಂಗೆ ನಮ್ದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾರೆ ಕಪ್ಪು ನಾವು ಹಂಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಸೆ ಜಾ ರಹಾ ಹೈ ಯೇ ಸ್ಲೋ ಸೇ ಜಾ ರಹಾ ಹೈ ಯೇ ಬರಾಬರ್ ಹಿ ಜಾ ರಹಾ ಹೈ ತೇರೆ ಕೋ ಮಾಲೂಮ್ ನಹೀ ಲಗ್ ರಹಾ ಉಸ್ಕೋ ಜೈಸಾ ಯೇ ಬಿ ಜಾ ರಹಾ ಹೈ ಪತಾ ಹೈ ದಿಖಾಯಿ ನಹೀ ದೇ ರಹಾ ಉಸ್ಕೋ ಯೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಲಗ್ ರಹಾ ಹೈ ಉಸ್ಕೋ ಯೇ ಸ್ಲೋ ನಮಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ದು ಜನ ನಮ್ದು ಜಾ ರಹಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವರು ನಮ್ದು ಅವರು ಜಾ ರಹಾ ಹೈ ಉಸ್ಕೋ ಫಾಸ್ಟ್ ಹಮ್ ಜಾ ರಹಾ ಹೈ ಇದಕ್ಕೋಸ್ತೇ ಕಾರು ಬೈಕು ಲಾರಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬವ್ರೆ ಇದಕ್ಕು ಹಿಂದೆ ತುಂಬವ್ರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಯಾರು ಬೀಳ್ತಾರ ಬಿಡ್ತಾರ ನನ್ನಂತೂ ಜನ ತೆಗಿಯ ಸದಿನ ఏది ప్రియాలు ఆక్టోపస్ ఏది ఇది పద ಮಾತಾ ಉತ್ತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ನಾಮ ಕಾಮದ ಪ್ರಭಾವ
बंद चेसी नोक्कियाला कोला तोर इधर अलाम आटो ला लाइटिंग कम कर दिया एक तो चश्मा भी भूल गया नक दीते रात्र बद पुल पुल का पद पद बाबूरा इला तीसन 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 पदा दू पादे अम्म निबड़ी पिकाक दर जीरा फिगो जच्चु इधे एलिपी आंट दच्चावा जच्चु मम्मी तो तैयार अदंत तैयार अटदे अदी आकल प्लास्टिक वे का बालू टारजन जंगल पादमा अंत अंत अट्टदे नम्मदे अदंत अट्टदे నేను అమ్మ తెస్తున్నాను ఇలా
हो गया आपका ఉంటు చూడరా ఎలా మా అమ్మ ఉంది ఏది మా అమ్మ చేయి పట్టుకో ఏయ్ ఎలారా
यार बिड़ता बिड़ता ना नंतर जना ठीक है कौन बिल्कुल दिया था नहीं ना यार को नंगी तो चला नहीं ना आकर के मतलब करती चंदा पड़ने इवर नम शिवम्ग चंदे पड़ा दूर इलिंद्रेनिंग गंडन वैफ अल गंडन वैफ इन इन फोन नंबर सामने कार देखो दुनिया को लेके आ रहे हंगे नमद कर्क ना हे उनका जैसे हम लोग जा रहे हैं गाड़ी उधर जा रहे देखो वो स्पीड से जा रहा है ये स्लो से जा रहा है अरे यार ये भी जा रहा है बराबर ही जा रहा है तेरे को मालूम नहीं लग रहा उसका जैसा ये भी जा रहा है पता नहीं दिखाई नहीं दे रहा उसको ये फास्ट लग रहा है उसको ये और ये नमदो जन नम जोर होते थे और नम के और जा रहा है उसका फास्ट हम जा रहा है बसकोस्ते कार बैक लारी तुम्बर तुम्बरे यार बिड़ता बिड़ता ना नंतर जना ठीक है।